और कितनी देर इंतजार करेंगे? पहले बेड का पैसा दीजिए भैया। गेम क्या है तुम लोगों को पता है ना? जो इस बॉल को सबसे पहले यहाँ लेकर आएगा वही इस बैट का पैसा जीतेगा। नो रूल्स। हाँ पता है रे, पहले गेम स्टार्ट करो। आप लोग रेडी हो ना? Ah!
तुम लोगों को कितनी बार बोल चुका हूँ, सुबह सुबह एरिया में लड़ाई करते हो, मारपीट करते हो, ये कैसा गेम है? हाँ, फ्रेंडली गेम है सर। सर ये सब होने की वजह यही है सर, गेम के बीच में इसने झगड़ा शुरू कर दिया सर। ठीक है भाई, बेटे का पैसा कहाँ है? सर फ्रेंडली मैच के लिए कौन बेट लगाता है? ए, तुम लोग देखने में फ्रेंड जैसे दिख रहे हो क्या? इनका चेहरा देख के पता नहीं चल रहा है क्या? 104 चेक करो इन्हें। वकील तेज चलाओ। देखिए वकील सर, छोटे बच्चों को कैसे टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। तुम लोग छोटे बच्चे हो? सर ये हमारे एरिया के लड़के, कोई दंगा फसाद करने वाले नहीं है, अच्छे लड़के हैं सर। एक छोटे से खेल में लड़ाई हो गई, छोड़ दीजिए सर। इन लोगों को संभाल नहीं पा रहे इसलिए इनके माँ बाप ने छोड़ दिया, आपका इनसे क्या संबंध है? कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो इनके माँ बाप जरूर आएंगे सर, कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए तो मैं आया हूँ सर, और ये सब मेरे दोस्त के जैसे ही है। आपकी बातों ने दिल को छू लिया, अब आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे रहेंगे वकील साहब। फ्रेंड्स हमारे बाहर आने से कोई फायदा नहीं, बॉल भी तो आनी चाहिए। अच्छा बॉल क्यों? बैटिंग का सारा पैसा उसके अंदर ही है सर। ए तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। अरे रुक ना, जा कर रहे हैं, रुको, रुको, अरे रुक ना, नो, नो, हे, इस लड़की के ऊपर कोई रंग नहीं डालेगा। थैंक यू। क्योंकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ए चंदू, कल सुबह जल्दी गैरेज पर आना, इसने सुना कि नहीं सुना पता नहीं। ए, थोड़ी देर और रुक जाता तो सुबह हो ही जाती, घर क्यों आया तू? हैं वहीं सो जाना था ना, आखिर तू घूम किसके साथ रहता है? क्या हुआ रे तुझे, शराब का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? ए सुनो इधर, क्या है जी? आकर जरा अपने बेटे का चेहरा तो देखो। पापा आपने मुझे चाटा क्यों मारा? चाटा नहीं मारू तो और क्या करूं? कहां से पीकर आ रहा है तू? बार से। बार में पैकेट वगैरह बेचते हैं क्या? क्यों पापा आप भी जाके पीने वाले हैं क्या? छी मुंह बंद कर। हमारे खाना खाने से पहले आना चाहिए था ना। ये भी ना। ए, मेरे सवाल का उल्टा जवाब दे रहा है, ये तरीका है बाप से बात करने का? तू ऐसा क्यों कर रहा है? अपने पापा को इस तरह कोई उल्टा जवाब देता है क्या? और अगर देना ही है तो एक मिनट के बाद देना चाहिए। अरे जाइए माँ, बेवजह की बातें करती हैं। ए, पढ़ाई बहुत हो गई, बस जाकर सो जा। ठीक है माँ। पापा भैया पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस स्टेशन? ए, क्या किया तूने, लड़ाई की या खून किया? क्यों जी, खून करते हैं तभी पुलिस स्टेशन जाते हैं क्या? किसी से मिलने भी जा सकते हैं ना। क्या बात बोली है आपने माँ। ठीक है बेटा, तू जाकर हाथ मुंह धो ले। तू ऐसे बात कर रही है जैसे सब पता है तुझे।
अरे इसमें पता होने की क्या बात है जी, अगर उसने सच में कुछ किया होता तो पुलिस वाले उसे जेल में बंद करके रखते, वो घर में क्यों आता। ए चंदू जरा यहाँ खाना खा ले। उस वकील ने बाहर निकाला। अरे जा बेटी, ये कुछ न कुछ करके आता है, वो वकील आकर इन्हें बचाता है। बैठ जा खाना खा ले। पापा मेरे लिए क्यों कर रही हो? ये टैबलेट टॉनिक मेरे किसी काम के नहीं है, वो ठीक से रहेगा तो कोई बीमारी मेरे पास नहीं आएगी। ए तो क्यों अपने पापा को परेशान करता रहता है? वो जो भी कहते हैं तेरे अच्छे के लिए ही तो कहते हैं, अगर तू अच्छे काम करेगा तो उन्हें कितनी खुशी होगी सोच। कमाल है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप ये बताइए, आप उनकी तरफ है या मेरी तरफ है? मैं तो हमेशा तेरे पापा की ही तरफ हूँ। लव मैरिज है ना, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं आप। चुप कर खाना खा। हे ओह नो, ये क्या सर्विसिंग करते तुम लोग? हाँ दो दिन पहले डाले हुए सॉकर बहुत जल्दी खराब हो गए, क्यों? तुम लोगों को रिपेयर करना आता है या नहीं आता? ए तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? हाँ क्यों इतना चिल्ला रहा हूँ? अगर तूने मेरी गाड़ी में नया सॉकर नहीं डाला ना। नहीं डाले तो क्या कर लेगा तू? हाँ कोर्ट में जाकर तुम लोगों पे केस कर दूंगा। क्यों सर? तुम लोग बाइक में सेकंड हैंड पार्ट डाल रहे हो ये मुझे डाउट है। दो दिन पहले डाला हुआ सॉकर खराब हो जाएगा क्या? सर थोड़ा अंदर आइए ना प्लीज। सर अंदर आइए ना प्लीज। सर आइए ना। क्या है बोल? कैसा लगा सर? शॉक चला गया। दो मिनट पहले दिया हुआ शॉक चला गया बोल रहे हो? दो दिन पहले डाला हुआ शॉकर कैसे खराब नहीं होगा? हे छोड़ना यार। सर आप शाम को आके गाड़ी ले जाइएगा। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों के ऊपर पुलिस केस करूंगा, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। रेडी रहो तुम लोग, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या जिंदगी है यार इन लोग की, क्या एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। ए, सुबह सुबह सपने मत देख, ठीक है? मैं तो तुझे पढ़ाना ही चाहता था, तो अगर अच्छे से पढ़ाई करता तो एक अच्छी सी लड़की के साथ तू भी इसी तरह घूमता। नमस्ते वकील जी। देखना एक दिन ये खूबसूरत लड़की को बाइक पर लेकर जाएगा कृष्णा, सबका समय आता है। आप सिर्फ सही समय पर आ जाना। ए ये गाड़ी बार बार खराब होती रहती है, जरा ठीक से देखो ना इसे। क्या ये गाड़ी है? म्यूजियम में रखना चाहिए इसे, हमेशा का इनका यही झंझट है। ए वकील नई गाड़ी लेनी चाहिए ना। सेंटीमेंट जुड़ा है इससे, ऐसा जमाना बदल गया कि इंसानों को भी चीजों की नजर से देखा जाता है। कोई बात नहीं, इंसानों को भी चीजों के रूप में देखना अच्छी बात होती है। ठीक से रिपेयर कर देना। नमस्ते। मैं चलता हूं। वकील वैसे भी बहुत बड़बड़ कर रहे हो। ए कॉर्पोरेशन ऑफिस तक ड्रॉप कर दो। हाँ। पर तो बहुत भीड़ है पापा, पता नहीं क्यों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी। ये सब क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता है पापा। ओ चाचा आपको बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, लगता है भैया को कुछ जरूरी काम है, आप आ जाइए। ये और इसकी गाड़ी। तुमने कुछ बोला क्या? अब तक तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला था ना मैं कल बताऊंगी। भाई आपकी गर्लफ्रेंड आ गई। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तू मेरी गर्लफ्रेंड बोल रहा है? भाभी बोलना चाहिए। मैं उसे दिल से चाहने लगा हूँ। ऐसा क्या? फिर तो एक फोटो खींचकर फ्रेम में डालकर रख लेते हैं। भाभी सेल्फी। तेरी भाभी कौन है? हाँ भैया बोल रहे थे। ये कल मेरे ऊपर कलर फेंकने वाला यही था, इसे तो मैं बता। रुक जाना, वो सब लोग रबड़ी बेच रहे हैं। देखो
पास आगे। पहले आइए भाभी जी, आइए पहले आप जाइए, आइए आ जाइए भाभी जी, चलिए आइए। आप सभी चल सकते हो, जाओ जल्दी। ये पास है या बाईपास? चल हट के खड़ा रहे, पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। सेंट्रल के लिए ये लीजिए, कोयम के लिए 2 टिकट। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आके लेता हूँ पैसे। हाँ? hey, टिकट कहाँ जाना है, कहाँ जाना तुमको? टिकट ही तो मांग रही थी, उसके लिए इतना हंस क्यों रहा है? वो सब मेरा भाई देख लेगा। है भाई, तुझे समझ में नहीं आया क्या, ये सारा काम उसी का है। कहाँ जाना है यार? के गैरेज देख लेना, मैं बाद में आता हूँ। हाँ ओके। अगर मार्क्स नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बस जॉब मिल जानी चाहिए। हे, तेरा बॉयफ्रेंड आ गया, अब जाते समय भी टिकट नहीं लगेगी। ये क्यों? मॉर्निंग का बस टिकट बैलेंस बाद में देना, अभी बैठ जाओ। ऑटो कहाँ जाना है भाभी? क्या बोला? हाँ? ए, किसे भाभी बुला रहा है? जब भाई की लवर को भाभी ही बुलाएंगे ना, आप बोलिए भाभी। वो तुम्हारा भाई है क्या? हाँ भाभी, वो सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे एरिया का भाई है। भाई बहुत अच्छे इंसान है भाभी। अच्छा इंसान है, दिखने में तो बहुत बड़ा गुंडा लगता है। कवर देखकर बुक के अंदर क्या है जज मत कीजिए, आप लोग तो पढ़ी लिखी लग रही हैं। तेरे भाई को प्यार करने के लिए यही मिली थी क्या? ये भगवान का फैसला है। इतना ही नहीं, भाभी भी दिखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए उनको इतना अच्छा इंसान मिला है। तुम्हारे लिए तो कोई बकवास इंसान ही आएगा। ओहो, रुको जरा, यहीं पर रुको। यहाँ पर क्यों? उतरो तुम, ये लो। अरे नहीं भाभी, मैं नहीं ले सकता। कोई बात नहीं भैया, ये रखो। चलो जल्दी चलो। अरे चल तो रही हूँ। जल्दी चलो। कम फास्ट, क्या कर रही हो? जल्दी चलो। चल तो रही हूँ। जल्दी चलो, फास्ट चलो, जल्दी जल्दी। हाँ हे, चलो तुम उधर जाओ, मैं इस तरफ। ए, तूने गाड़ी को बीच रास्ते में क्यों छोड़ा? लड़की मिस हो गई यार। ऐसा क्या? इसके लिए तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? ये अपना एरिया है, हम ढूंढ लेंगे उसे। भाई अपने एरिया से कहाँ चली जाएगी वो? 2 मिनट में पता लगाता हूँ। हेलो, ए, आज के बाद यही अपनी भाभी है, समझ गए ना? ये बात फैला दे। हाँ, आज से VIP ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। हेलो मैडम, लाइन में आ जाइए, जल्दी आइए, आइए। अरे बाप, अरे आप आए हैं? अब ये सब क्या है भाई? लाइन है ना। क्या भाई, जानता है कौन है? भाभी है। भाभी जहाँ खड़ी होती है लाइन वहीं शुरू होती है। पीछे खड़े हो जा, आइए आइए। ए, चेयर लेकर आ, आइए भाभी, आराम से बैठिए। भाभी आपको देख के लगा कि माँ लक्ष्मी दुकान में आई है। अरे रे रे रे, क्या करूँ मैं, एक बार बोल देती तो पूरी दुकान आपके घर ले आता। ये किराने का सामान लेने के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब इतना ओवर मत करो, चुपचाप से लिस्ट पकड़ो। दिखाइए। अरे बाप रे, सब कुछ ब्रांडेड है ना?
सब कुछ ब्रांडेड ही है भाभी। भाभी ठंडा पीजिए ना। अरे अब ठीक है ना भाभी? भाई और कितना टाइम लगेगा? ए, रुक सकता है तो रुक, नहीं तो निकल ले। थैंक यू। छोटे इधर लाके रख दे। ये क्या भाई, 2000 के बदले 200 रुपए ले रहे हो? चुप हो जा, भाभी जितना दे रही है उतनी ही कीमत है, चाहिए तो ये जीरो कट कर दे। अरे भाभी आप क्यों उठा रही हैं? ए रामू इधर आ, ये सामान उठा ले, माफ कीजिए। हे भगवान, मेरी तो तकदीर ही खराब है। टाइम कितना हुआ है? मेरा टाइम सही नहीं है सर। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा ये बस निकलने में? मेरी लवर आएगी तभी बस जाएगी। ऐसे चेहरे से कोई लव करेगा? ए, आप जाइए भाभी जी। ये सब देखकर पता चल रहा है वो तुमसे कितना प्यार करता है। अरे वो दूर रहकर एंजॉय कर रहा है, तो हम भी इस ट्रीटमेंट को एंजॉय करते हैं। बाद में देखा जाएगा जब प्रपोज करेगा। ओके। ये क्या रे? सॉरी मैडम। हे भाभी आ गई, रास्ता छोड़ो। पहले आप जाइए भाभी। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। स्टूपिड। यहाँ किस लिए आया बे? सुबह तूने एक लड़की का हाथ पकड़ा था ना, ऐसा दोबारा मत करना। मैं ऐसा ही करूंगा। दोबारा अगर लड़की को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जान ले लूंगा तेरी मैं। अभी समझ में आया ना? अब ऐसी गलती मत करना। चंदू। ए चंदू। चंदू, ए चंदू, अरे रुको, रुकने को कह रहा हूँ ना। क्या हो रहा है सब? पहले तुम यहाँ से जाओ, जाने को कह रहा हूँ ना। अरे जाओ। Cheers! वकील साहब, उस दिन आपने टाइम पे आके हमारी बेल करवा दी, लेकिन आज गलत टाइम पे आके उन्हें बचा लिया। अगर आप नहीं आते ना तो जान दे देता उनकी। हर चीज के लिए लड़ाई करना अच्छी बात नहीं। भाभी की लवर बोले तो कौन है वो? भाभी है, भाभी का हाथ पकड़ेगा वो, उसका हाथ वहीं काट देना चाहिए था। तुम ही वे वजह में बीच में आ गए, नहीं तो उसकी। क्यों चंदू, तुम उस लड़की को इतना चाहते हो क्या?
ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। अरे ये क्या वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? सुबह मुझे कोर्ट जाना है बेटा। क्या केस है वकील सर? जातिवाद में कत्ल का केस है। लड़की ने छोटी जाति में शादी कर ली है, इसीलिए लड़की के पिता ने उस लड़के को मार दिया। उसे छोड़िएगा नहीं वकील साहब, एटलीस्ट उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। इस जमाने में भी जाति धर्म के भेदभाव गांव में है। छी छी, ठीक है, कल मीटिंग करते हैं। बाय 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 बाय। भाई ये गाना सुनने के बाद ना लड़की से मिलने का दिल कर रहा है। भाभी का घर तो मुझे पता नहीं है ना? हाँ मुझे पता है। तेरे को कैसे पता है? ए, हर रोज मैं ही तो ड्रॉप करता हूँ उसे। यही है भाई अपनी भाभी का घर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बघेल साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये घर तो मेरा है, तो मैं ही रहूंगा ना इस घर में। क्या ये आपका घर है? और वो ऊपर जो लड़की है वो मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है। क्या हुआ, क्या है? क्या कहा? वो लड़की आपकी बेटी है? अरे बाप रे वकील साहब, ये सुन के बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये है चंदू, ए चंदू, क्या हुआ है? ये सब क्या है? आधी रात में ये क्या है? शराब अब तक उतरी नहीं क्या? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो आपकी बेटी ही है क्या? हाँ मैं आपकी ही बेटी से प्यार करता हूँ। ठीक है ठीक है, अंदर आ जाओ। वो भी तुमसे प्यार करती है क्या? अभी तो कंफर्म नहीं हुआ वकील साहब, यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया था। वो तो अच्छा हुआ वकील साहब कि आप मिल गए। चंदू। हाँ? तुम उससे प्यार मत करो, उसे भूल जाओ। इसका तो कोई चांस ही नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वकील साहब मेरे बारे में आपको अच्छी तरह से पता है ना, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तुम बस उसे अपना दोस्त ही समझ लो, लेकिन शादी के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। आपको प्रॉब्लम क्या है वकील साहब? अभी थोड़ी देर पहले तो आप जाति धर्म भेदभाव के बारे में ज्ञान दे रहे थे। हाँ कहा था, भले वो कोई दूसरी जाति का हो, धर्म का हो, या किसी दूसरे गाँव का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फिर अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? स्टेटस, औकात, ये सब बताने पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब, स्टेटस? चंदू मेरी बेटी ने MSc किया हुआ है। ऐसा क्या? मैंने भी तो SSC की हुई है। इन दोनों में तुम्हें अंतर पता होगा तब ना। ठीक है, एक महीने में कितना कमाते हो? 15,000 रुपए। अगर वो नौकरी करेगी ना तो महीने में लाखों कमाएगी। हा? जानते हो बस हो गया ना वकील साहब, 1,15,000 रुपए की इनकम, इससे हम तीनों बहुत खुशी रहेंगे। तीन लोग? अरे हाँ हम तीनों ही। शादी के बाद माँ बाप जब हमें घर से निकाल देंगे तो हमें अलग घर लेके रहना पड़ेगा ना। अब मैं कैसे समझाऊं? तुम्हारी एक बहन है ना बराबर? हाँ है ना। अगर तुझे उसकी शादी करनी है तो उसके लिए लड़का कैसे ढूंढेगा? लड़का अच्छी नौकरी कर रहा हो, उसका खुद का घर हो, अगर ऐसा हुआ तो हम शादी कर देंगे। अगर गली में पंचर बनाने वाले के साथ अपनी बहन की शादी कराने को कहा जाए तो करेगा? अरे ये कैसे कर सकता हूँ वकील साहब, वो मेरी बहन है, लड़का कम से कम मेरी रेंज का तो होना ही चाहिए ना।
अपनी बहन की शादी जो कम कमाता है उसके साथ नहीं करेगा? कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कैसे कर सकता हूँ? इसका मतलब आपकी बेटी से मेरी शादी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैं दिल दुखाना नहीं चाहता था, सॉरी चंदू। मैं दोस्ती में जान भी दे सकता हूं, लेकिन अरे कोई बात नहीं है वकील साहब, मैं भी बिना सोचे समझे बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था। चंदू, उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, उसके लिए कौन सा सही होगा ये सोच रहा हूँ, लेकिन प्यार यार के चक्कर के बारे में अगर किसी को पता चला तो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है वकील साहब, चंदू किसी चीज के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं आपको जबान देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा अब। सॉरी चंदू, मैं अपनी बेटी के मामले में जरा सेल्फिश हूँ। हम जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में हमें सेल्फिश होके ही सोचना पड़ता है, और वही प्यार हमेशा सच्चा होता है। चलता हूँ वकील साहब। क्या हुआ भाई? वो लड़की अपने वकील साहब की बेटी है यार। अगर मुझे उससे शादी करनी है तो स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। क्या कहा? स्टेटस? मैंने व्हाट्सएप पे अपडेट कर लिया। स्टेटस का मतलब वो नहीं होता बेवकूफ, औकात। ये बात है। इसका मतलब अभी तो क्या करेंगे? उसे उठाकर लाएंगे क्या? इसने जो बोला वो सही कहा। वकील साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्रेकअप की बात क्यों कर रहा है? ब्रेकअप और तुझे तो मैंने कल भी बोला था ना उसके बारे में। हे, संभाल कर, पता है ना मैं कौन हूँ? जाओ ना। मैं भाभी हूँ तुम्हारी। मेरा नाम सरोजा है। ये सब क्या है? पता नहीं। क्या हुआ? महारानी सिर्फ रानी हो गई क्या? क्या हुआ बोल ना। हाँ, क्या हुआ? गुरु ड्रॉप हो गया क्या? ए देखो बस आ गई। अब ये सब क्या है यार? भाई भाभी वेट कर रही है। कौन भाभी बे? वो तो सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की? ऐसा है क्या? बस मिस हो गई, इंस्टीट्यूट जाना है मुझे। बस मिस हो गई, इंस्टीट्यूट जाना है मुझे। बस मिस हो गई है, इंस्टीट्यूट जाना है मुझे। ऑटो आइए भाभी, बैठ जाइए। क्या है रे, ये कल इसे बताया था ना? था यार, शायद कल रात में नशे में था ना, इसीलिए याद नहीं रहा होगा। ये एक नंबर का बेवकूफ लग रहा है। कोई देखे या ना देखे ये तो देखता है ना।
हाँ, इतने कम पैसे क्यों दे रही हैं? 500 हुआ है मीटर का। हाँ, तू क्या दिल्ली से लेकर आ रहा है हमें? बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, भाई ने जो बोला वो फाइनल है। ले बैठ। हाँ हाँ, निकलो निकलो, हवा आने दो। भाई के हटने के बाद तुम्हारी यही हालत होगी। यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा या इंसल्ट मिलेगा? भैया ये लीजिए लिस्ट। हाँ। ये हाँ। क्या है? बिल। बिल? अब तक तो सामान ही नहीं लिया, बिल कैसा? ये पहले का बिल है। तब तो तुमने मांगा नहीं था। तब भाभी थी, अब एक काम करो, इसे भी फेंक दो। तुम और तुम्हारी एक्टिंग। मैडम, भाई वहाँ वेट कर रहे हैं। हे, सब लोग यहाँ से जाओ, जाओ, जाओ। जल्दी यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। सब लोग जाओ यहाँ से। अगर हम लोग नहीं गए तो? तुम्हें अलग से मारू क्या? हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। जो भी मैटर है जल्दी बताओ। मैंने तुमसे मांगा क्या वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए? मैं अपने काम से काम रखती थी, भाभी भाभी सभी को बताकर सभी लोगों को खुश कर रहे थे, और अभी अचानक से क्या हुआ? कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है मुझसे। इसमें हम क्या करें? मुंह बंद करो। तुम मुझसे प्यार करते हो? इसका तो कोई चांस ही नहीं है। प्यार मतलब सीरियस प्यार नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। क्या दिखाने जैसा? हाँ। वो क्यों? देखो, सिर्फ मुझसे प्यार करते हो ये बोलोगे तो यहाँ पर रहने वाले सब लोग मुझे महारानी की तरह बोलेंगे। प्यार करोगे ना? ये सब मुझसे नहीं होगा, चल जा। मैं तो बस दिखावे के लिए बोल रही हूँ। भाई नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आता कि जाओ यहाँ से। देखो, इसके पहले तुमने मारा था तो हम शांत थे, लेकिन आज के बाद तुमने हाथ उठाया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। ए, छोड़ना यार, ठीक है, करता हूँ, जा। ये कैसे होगा भाई? उनके पापा को तुमने जबान हाँ। दिया ना, एग्रीमेंट कर लेते। एग्रीमेंट? क्या एग्रीमेंट? क्या एग्रीमेंट है? तुम्हारे पापा वकील ही है ना, तो तुम दोनों को गवाह की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए पेपर पर साइन कर दो। मेरी प्यारी भाभी। भाभी? हाँ, ठीक है, अपना नाम बताओ। इससे पूछो। मुझे क्या पता? हाँ? हाँ? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है? जानकी। डार्लिंग जानू लिख दे। ओके। जानू हूँ मैं, चंदू के साथ ऐसे ही इलू इलू करने के लिए प्यार कर रही हूँ मैं। दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्यार बस नाम के लिए है। साइन करो। अच्छा, मैं तो कुछ और सोच रही थी। मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं। ए, भाई को सिर्फ नाम के लिए प्यार है, वो पहले जैसा खुश नहीं लग रहा है। कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? ए हीरो, गाड़ी निकालो। वो क्यों? इंस्टीट्यूट में ड्रॉप करने के लिए। ए, मुझे काम है, तुम जाओ। लवर को पिकअप ड्रॉप करने से बड़ा काम क्या है तुम्हें? हाँ, लवर? अरे वही इलू इलू वाला लव। भाई जाओ भाई, भाभी बुला रही है ना। निकालो गाड़ी। भाई गर्लफ्रेंड ऐसी थोड़ी बैठती है। ए, चुप रहता ही नहीं है। भाई तुम लवर के साथ जा रहे हो ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बहन के साथ जा रहे हो। इवनिंग में पिकअप करने आओगे ना? नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? आना होगा। इलू इलू लव में ऐसा ही रहता है, जाकर एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़कर आना। मुस्कुरा सकते हो ना तुम?
हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। अगर जल्दी तैयार होकर के आओगी तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है पापा? तुम तैयार होकर के तो आओ, मैं बताता हूँ। हाँ ओके। क्या सरप्राइज है पापा बताइए। चलो तो बेटी, यहाँ देखो। ओह माय गॉड, नई स्कूटी, वाओ सुपर्ब है। बहुत दिनों बाद आपने स्कूटर बदल कर ये लिया है, बहुत अच्छी है पापा। ये मेरे लिए नहीं है। कलर भी बहुत अच्छा तुम्हारे है। लिए। It's for me. Oh my God. Thank you so much, पापा। I really like it. चलो बैठो बेटा। Thank you. सडन ये गिफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इस स्कूटी की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है पापा। आज के बाद वो पुरानी गाड़ी को बेचकर आप ये ले लीजिए पापा। मेरी जिंदगी में तो नई चीजें, नए इंसान आते जाते रहते हैं, इसके लिए पुरानी चीजों को भूलना नहीं चाहिए। मैं उसे क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ जानती हो? मैंने उसे सिर्फ वस्तु ही नहीं समझा है, तुम्हारी माँ कभी उस पर बैठा करती थी। मेरे पापा मेरी मॉम को बहुत पसंद करते हैं। एक राउंड लगा कर आती हूँ, अभी आती हूँ पापा। माँ अभी कैसी हैं? पहले से वो अभी बेहतर है। तो फिर तू रो क्यों रहा है? हाँ अबे खामोश क्यों है? अबे बता तो सही कि हुआ क्या है तेरे साथ? माँ का ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, ऑपरेशन के लिए 2 लाख बता रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। शिट, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग मुझसे बचकर निकल रहे थे, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो तुम। नाम के लिए प्यार करते हो क्या मुझे? हाँ ओए चलो आओ गाड़ी पर बैठो। क्या हुआ बोलो। कुछ नहीं, माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है। माँ कहाँ है? ये लो, इसे बेच दो। hey, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे फ्री में नहीं दे रही हूँ, बाद में ले लूंगी मैं। hey, हमें तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए, जाके तुम अपना काम करो। क्या तुम मना कर रहे हो? हम अनजान आदमियों से कभी ना कुछ लेते हैं ना देते हैं। मतलब मैं? हेलो, तुम कुछ ज्यादा स्पेशल स्टेटस की हो, हमारे स्टेटस की नहीं हो। मैं तो तुमसे प्यार करने के बारे में भी नहीं सोच सकता हूँ। तुम्हारे कहने पे मैं रेडी हुआ था, तुम्हें झूठी इज्जत चाहिए ना? मुझे तुमसे प्यार व्यार नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। चंदू, तुमने अपना वीआईपी ट्रीटमेंट करवा लिया ना, हम अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवा लेंगे। पैसे दिए बिना तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई के बारे में ठीक से पता नहीं है लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, मैं तुम्हें जोकर दिख रहा हूँ क्या? मैं स्मार्ट शंकर हूँ रे। ए, कौन है रे तू? खान भाई हैं क्या अंदर? भाई अंदर काम कर रहे हैं, बैठ जा।
लेकर आए हो क्या? नहीं। ठीक है उतारो। कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। अब जल्दी। हाँ उतार रहा हूँ ना। अब थोड़ा धीरे से करना। देखा तुमने, सुपर है ना भाई का स्टेमिना ऐसा ही है भाई, कमाल की चीज है, कमाल की। अरे रे एक पैसे उधारी पर देना ही काफी नहीं होता है, उसे वापस लेकर भी आना पड़ता है। पैसे लेकर आने तक फूड और बेड दोनों कट। जाग। पैसा लेके ही आता हूँ। बाप रे कितना मारा इन लोगों ने, पूरा बदन भयंकर तरीके से दर्द कर रहा है। कैसा है चंदू? सलाम वालेकुम खान भाई। अच्छा है ना? हाँ भाई बहुत अच्छा हूँ मैं। हाँ बैठ जा बैठ जा। हाँ चाय कॉफी कुछ लोगे? नहीं भाई ना, नहीं चाहिए। नाश्ता वगैरह कुछ करना हो तो बताओ। नहीं शर्माओ मत चंदू, मेरी दो दो ब्रांच है, राइट में बुगारी, लेफ्ट में तलकापाड़ी, तुझे जो चाहिए मांग। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। फिर बताओ कैसे आना हुआ? भाई मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए। पैसे? कितने चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए। आई लाइक इट। हाँ हाँ 1 लाख मांगता तो नहीं देता, 2 लाख रुपए मांग रहा है इसलिए पैसा दे रहा हूँ मैं। थैंक्स भाई। जानता है क्यों? 2 मेरा लक्की नंबर है, 2-2 घर हैं, 2-2 गाड़ियाँ हैं, 2 नंबर मेरा पसंदीदा है। तो यहाँ पर ये एक ही क्यों है भाई? ये स्मार्ट शंकर है, ये आदमी एक है लेकिन दिमाग 2 है। मेरी तारीफ कर रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2। थैंक्स भाई। ओके अंदर चलिए। ए, क्या बात कर रही हो तुम? चंदू बिल्कुल मेरी तरह है, दिल का बिल्कुल साफ, मेरे भाई जैसा। अंदर चलिए ना। भाई एक सेल्फी ले लेते हैं भाई। ए, आई लाइक इट, इसीलिए मैं तुम्हें स्मार्ट शंकर कहता हूँ। आजा उठ सेल्फी ले। यार के ये ले। ये क्या है यार? इतना पैसा कहां से आया? कहीं से भी आए हो, तू जाके माँ का ट्रीटमेंट करवा जा। थैंक्स यार। चलो ठीक है सेंटिमेंट ज्यादा हो गया, अब काम पे भी लग जाओ समझे ना। ए, तू जाके वहां का ट्रीटमेंट करवा। ए, बिटू देखना यार वहां क्या हुआ है उसे। जाना। हाँ राव सर, उस केस के बारे में आपसे बात करने के लिए फोन किया है। कहाँ जा रही हो बेटी तुम? फ्रेंड के घर जाकर आती हूँ पापा। ऐसा क्या? संभल कर जाना और जल्दी आना। ओके। जी जी वही वही केस। ए, कहां लेके जा रही हो? मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ। ऐसा क्या? लग रहा है बहुत गुस्से में हो, आइसक्रीम खाओगी क्या? इतना बेवजह चला क्यों रहे हो तुम? हाँ हो आइसक्रीम। कुल्फी दीजिए। हेलो मैडम, पैसे देकर तो जाइए। मैं भाभी हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं बादशाह हूँ। ए मैं भाभी हूँ। अरे मुझे वो सब पता नहीं, पहले मानिक बादशाह का पैसा दीजिए। हेलो मैडम, इस एरिया में तुम्हें कोई जानता नहीं है क्या? नहीं जानते। ठीक है जाकर पैसे दो। कितना हुआ भैया? 20 रुपये हुए हैं। आप रुकिए मैं छुट्टे देता हूँ। कोई बात नहीं रख लो।
हेलो जानकी। हेलो चंदू, बोल रहा हूँ वकील साहब। चंदू, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? जानकी कहाँ? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ वकील साहब। चंदू, बोला ना बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, उठा के पटाक, शाबाश शाबाश। चाहिए तुझे भैया? यहाँ पे कोई लड़की आई है क्या भैया? लड़की? यहाँ पे लड़के आने से भी डरते हैं, फिर लड़की कैसे आएगी? नहीं ऐसी बात नहीं है भैया, वो इसी तरफ आई थी भैया। ए, क्या है बे, बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ चुपचाप यहाँ से निकल जा, चल निकल, चल जा रे। ए, यहाँ थोड़ा मालिश कर दो। भैया वो लड़की यहीं पे है। ए, तू वापस क्यों आया बे? भैया मेरा दिल कह रहा है वो यहीं पे है, उसे यहीं कहीं रखा गया है। ए, तू क्या मजनू है क्या, जो अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए कहीं भी घुस जाएगा? हा? लवर बोल रहे हैं। ए, तुझे देख के मुझे हंसी आ रही है यार। ए, इस मजनू की लैला को लेके आ। आ गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। आ खड़ी है तेरी लैला, देख। छोड़ो मुझे। चलो भैया, उसे छोड़ दीजिए भैया, छोड़ो। ए, तेरे दिल की बात तो एकदम सही निकली रे। लेकिन मेरा दिल क्या कहता है पता है क्या? ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम दोनों एक डील करते हैं। सिर्फ 3 दिन, मतलब 3 mornings 2 nights मेरे आदमी एंजॉय करके छोड़ देंगे, ठीक है? ए, एंजॉय करो रे तुम लोग। भैया उसे छोड़ दीजिए भैया, जो कुछ भी है हम आपस में सुलझा लेंगे ना, उसे जाने दीजिए ना भैया। इतना बड़ा आदमी है क्या तू? ठीक है, एक काम करते हैं, वहां से यहाँ तक 10 feet होगा, तो उसे यहाँ पे लेके आ जा, छोड़ दूंगा उसे। लेकिन एक कंडीशन है, तब तक मेरे आदमी तुझे मारेंगे उसे सहन करते हुए जाना होगा, और बदले में तुझे नहीं मारना होगा, मंजूर है ना? Oh.
तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो? ए भाई, ए, छोड़ो मुझे। ए, तू पागल है क्या? इसके लिए तू इतना मार क्यों खा रहा है? तुम दोनों का प्यार तो ऐसा ही था ना? छोड़ दो मुझे। तूने इसके लिए इतनी मार क्यों खाई? ए, क्या बकवास कर रहा है बे? हाँ भाई, इसने उस लड़की से भी प्यार किया, लेकिन वो लड़की इससे प्यार नहीं करती। ए चंदू, ऐसा क्या? क्या ये बात सच है? जब वो तुझे प्यार नहीं करती तो मार क्यों खा रहा था? तू तो सच में बहुत बड़ा मजनू है। ए, लड़की को छोड़ दे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चंदू, ए चंदू, चंदू आंखें खोलो, चंदू, चंदू आंखें खोलो, चंदू, चंदू चलो, संभल के आ जाओ, चलो 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 आ जाओ, चल चलो, चंदू संभल, चंदू 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 सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बेटी, तुम चिंता मत करो, चलो। रो मत बेटी, चंदू मुझे जिंदा चाहिए पापा। चंदू को कुछ नहीं होगा बेटा, डॉक्टर से मैं बात कर लेता हूँ, चलो अब चलते। जानू, चंदू जब तक अपनी आंखें खोलकर मुझे नहीं देखेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी पापा। उसने तुम्हारी जान बचाई है, उसे कुछ ना हो ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब तक वो आंखें नहीं खोलेगा तुम यहाँ से नहीं जाओगी, इसका मतलब क्या है? प्यार करती हूँ। क्या? हाँ पापा, मैं चंदू से प्यार करती हूँ। जानू, तू इससे कैसे? आपके बोलने की वजह से, आपके ऊपर रखी इज्जत की वजह से, मेरे ऊपर जो उसका प्यार था वो अपने ही दिल में छुपा कर रखा। इसीलिए पापा मैं उससे प्यार करती हूँ। तुझे कुछ नहीं पता है, चलो तुम। पापा, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैं चंदू से प्यार करती हूँ। कभी सोचता हूं कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122-9017-01 पर। Thank you.
मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। इसे रेट्रोग्रेड एनीमिया बोलते हैं। ये क्यों तो हो सकता है ना? वो जरा मुश्किल है सर। वो प्यार में पागल है ऐसा सोचा था, तेरी वजह से वो सच में पागल हो गया। चित्रा जा, जाकर अपने भैया को उठा दे। ठीक है माँ। माँ भैया बेडरूम में नहीं है। नहीं है? सुबह सुबह कहाँ गया होगा? वहीं कहीं होगा, देख। ये लीजिए, आपकी शर्ट रेडी हो गई है, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं टिफिन तैयार करके रखती हूँ। हाँ ये तो पूरी तरह बदल गया। हाँ जी ये
कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा बेटा, किसी फिल्म के हीरो की तरह दिख रहा है। ले बेटा खा ले, तेरे मन पसंद वड़े बनाए हैं मैंने, खा कर देख और बता कैसा बना है। ये सब क्या है मम्मी? हाँ? फैक्ट्री का सारा ऑयल आपने वड़े में डाल दिया है क्या? हाँ? कल से मेरे लिए गाजर और पालक बनाइए, ये सब यही लोग खाएंगे। हाँ? अरे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइजीनिक फूड। अगर ये सब खाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी मेरी। अरे अरे चंदू, कहाँ जा रहा है बेटा? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहा है? बाय। ये तो कह रहा है ऑफिस जा रहा हूँ मैं। स्टार्ट होगी कि नहीं होगी बताओ भी। ए चंदू 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 चंदू, एक मिनट इधर आओ यार, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, जरा देखो तो। आया, सही कहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक अच्छे से मैकेनिक को दिखा के ठीक करवा ले इसे। अरे क्या चंदू, मैकेनिक तो तुम खुद ही हो, इसलिए बुलाया ना तुम्हें। तेरी तो, रात में पिया कर दिन में नहीं, ये शराबी आदमी आपकी जिंदगी खराब कर देगा, संभाल के रहिएगा। चंदू तुमने शराब पीना कब से शुरू किया? घर चलो बताती हूँ तुम्हें। भाई एक स्पेशल ग्रीन टी। ग्रीन टी? हाँ। अबे तू इंसान है या जानवर? इंसानों को इस तरह से चाय पीते मैंने कभी नहीं देखा। 10 रुपए में खरीदी है, मेरी चाय मेरी स्टाइल में पीऊंगा, तेरे को दिक्कत है क्या? मैं चाय पीता हूँ, सबकी नजर में आना चाहिए। चलो उठ, चलो उठ, उधर जाके पी। ए, अगर ये साउंड दोबारा सुनाई दिया ना तो ये पूरी की पूरी चाय तेरी चड्डी में डाल दूंगा। चंदू ये लो चाय। चाय कैंसिल, मेरे को और एक चाय। इस भैंसे को ही पिला दे, ये चाय पीने के लिए पैदा हुआ है धरती पे। ये लो, हेलो। हे ब्रो, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक की शॉप है क्या? अच्छी सी मैकेनिक की शॉप। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक की शॉप है, मैं पूछ रहा हूँ। इसे देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? दिखने में तो पुराने कबाड़ी की दुकान लग रही है ये। अच्छा, हमको देख के तुमको क्या लगता है? रात के वक्त में साइलेंसर, साइड मिरर, साइकिल, पुराना घिसा टायर, पुरानी गाड़ी, इन सब की चोरी करके स्मगलिंग करने वाले लग रहे हो आप लोग। कैसी जिंदगी है ये? तू हमारा फ्रेंड है, इस वजह से शांत है हम, वरना यही तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के रख देता। फ्रेंड? व्हाट नॉनसेंस। ये क्या बोल रहा है यार? क्या बोल रहा है? किसी भी एंगल से तुम लोग तो मेरे दोस्त नहीं लग रहे हो। ऐसा? अपने बारे में आप क्या सोच रहे हो सर? एक बहुत बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में सबसे अच्छी जॉब करता हूँ मैं। ए, ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, यही तो है अपनी कंपनी। तू ओनर है और हम लोग वर्कर्स हैं। बेसिकली तू भी मैकेनिक ही है। ओहो, तो इसीलिए सुबह एक आदमी ने मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बुलाया था। इसका मतलब मैं कंपनी में काम नहीं करता। हाँ, हाँ। लेकिन दिखने में तो मैं कंपनी का ओनर जैसा लग रहा हूँ। वो भी है। मैं तो दिखने में ओनर जैसा लग रहा हूँ, लेकिन तुम लोग वर्कर जैसे नहीं लग रहे हो। ड्रेस चेंज। अरे ये हम लोग के लिए ठीक है, तेरा क्या? मैं कौन हूँ? ओनर। तुम लोग? हम लोग तो वर्कर्स हैं। हमेशा एक गैप मेंटेन रखना।
गेट बैक टू वर्क। भगवान कैसा टाइम आ गया है। KR, इधर। मेरा नाम KR नहीं है, RK है। RK ले। अबे जो भी है आना। हाँ ये देख जरा, ठीक से डालना। हाँ ठीक है, बोल क्या है। मैं जैसे बोलूँगा वैसे करना। वो तेरे बस की नहीं, इधर दे मुझे। ला। ये ले। कौन है? येलो कलर ड्रेस है क्या? नहीं रे। नहीं क्या? फिर कौन है? वो ब्लू कलर ड्रेस है क्या? नहीं यार, उन दोनों के बीच में जो रेड ड्रेस वाली है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ए, तुम लोग इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ बे? क्या हुआ? भाई को उस बस स्टॉप पर खड़ी लड़की लाइन मार रही है, रेड कलर ड्रेस पहनी हुई है, वही लड़की है। Hey, वो लड़की तो इधर ही आ रही है यार, क्या करूं मैं? क्या करूं बताना यार, क्या करूं? अबे वो मेरे ही पास आ रही है, तुम लोग कवर करो ना मुझे। हाय भाभी। क्या कहा? भाभी। हाय भाभी। ए ये क्या कर रहा है? मैंने कुछ गलत बोला क्या? वो यहाँ से रोते हुए क्यों चली गई यार? ए पागल, वो हमारे लिए भाभी है, तेरे लिए नहीं। तू जिस लड़की से प्यार करता था ये वही है। मैंने प्यार किया था? हाँ, और तू नहीं। शे, ये सब कुछ भूल गया। समझ गई। कैसे दिया ये? हाँ दे दे। वो हाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे सॉरी जी। चंदू आप कौन है मुझे नहीं पता। आप वहाँ से रोते हुए गई तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आप मेरी लवर हैं। मैंने आपको हर्ट किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। मैंने कभी आपको प्यार किया था क्या? आपने मुझे पहले प्रपोज किया था या मैंने आपको किया था? खैर वो सब छोड़िए, ये कौन है? मेरे पापा हैं। ओह हेलो सर। हेलो। अच्छा आपका नाम क्या है? जानकी। ओके बाय। ओके सर। हे यार के। हाँ मैं अभी जानकी से मिलके आ रहा हूँ। जानकी? अबे वही तेरी भाभी। ओ ऐसा क्या? मैंने उसे सॉरी बोल दिया यार। ओ सुपर सुपर है भाई। यार मैं जो कुछ भी भूल गया हूँ मुझे याद दिलाओ ना प्लीज। गराज और हमारे बारे में तो बता दिया, तुम्हारे लव मैटर का भी बता दो यार। ऑलरेडी तू अपने फैमिली के साथ ही है। ए कुछ छूटा है क्या? कुछ नहीं क्या? इतना ही है। बैक टू वर्क गाइस। ये बराबर याद रखता है। कैसे संभालता है? मैं कंदू खान बोल रहा हूँ। मेरे बारे में बोल उसको, तभी पैसा देगा वो। हाँ हाँ ठीक है। क्या चंदू मेरे भाई कैसा है तू? गेटअप तो सुपर लग रहा है। पैसा दे दे निकलता हूँ मैं। hey, जरा देखना सर की गाड़ी में क्या खराबी है। hey, मैंने सोचा था तू अच्छा आदमी है, लेकिन नहीं तू तो गलत आदमी है। मैं तुझे भाई मानता था। भाई कौन सा भाई? आई डोंट लाइक इट। हाँ फ्रेंड माँ
अर्जेंट ऑपरेशन 2 लाख रुपए 2 महीने में लौटाऊंगा बोला था, क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? हाँ भाई, मुझे जरूरत थी तो आपने 2 लाख दिए थे ना। What are you talking, guys? हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा कि जो भूल गया हूँ वो मुझे बताओ, लेकिन तुमने इतनी चीप ट्रिक अपनाई। भाई सेल्फी, अब मैं मुंह तोड़ दूंगा, अब क्यों सेल्फी ले रहा है? वो सेल्फी नहीं भाई, पैसे लेने के टाइम पे जो लिया था ना। आई लाइक इट, इसलिए मैं तेरे को स्मार्ट शंकर बोलता हूँ। बड़ा प्यारा है तू, दिखा उसको, दिखा उसको। देख बे, ये देखो, समझ में आई बात? एक बार ध्यान से देख, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं तू मुझसे ले रहा है। देखना एक बार, क्या मैं तेरे से पैसा ले रहा हूँ? दिखा, वो कैसे? देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, एक बार फोटो देख जरा। देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे, तेरी तो मैं। एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जाना। हाँ चलो आइए भाई, ये लो भाई। हाँ दे दे। पागल कर दिया इसने भाई, उसके सर पर चोट लगी थी ना, इसलिए सब कुछ भूल गया। ए, क्या बोल रहा है तू? समय पे उधार दिए हुए पैसे घर पे नहीं ले जाऊंगा तो मेरी बीविया मुझे। सोचकर ही रूह कांप जाती है, पहले से ही मैं 2 महीने से भूखा हूँ। भाई चिंता मत कीजिए भाई, भाई के लिए एक स्पेशल बिरयानी बोल रहे हैं। फालतू की बातें करके दिमाग मत घुमा, मैं इस भूख की बात नहीं कर रहा हूँ, उस भूख की। ओह, उसके लिए हम कोई हेल्प नहीं कर सकते भाई। तो क्या करूँ मैं? हाँ, उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है भाई। कौन सा आइडिया है? तुम्हें कुछ याद आया क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। एक जमाने में तुम मुझे इस तरह ही फॉलो करते थे। ऐसा क्या? अच्छा बताओ, मैं और क्या क्या करता था? मैं कहीं भी जाऊं तो तुम मुझे फॉलो करते आते थे। इंस्टीट्यूट पर आकर तुम मुझे ड्रॉप करते थे, वहां पर तुम मेरे लिए वेट करते थे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, वो सब रहने दो। हमने प्यार करते वक्त किस वगैरह या और कुछ किया था क्या कभी? तुम्हारा कैरेक्टर वैसा नहीं था, इसीलिए तुम्हारे सब कुछ भूलने के बावजूद भी मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ। कल तुम मेरे साथ आओगे? कहाँ? डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके। डॉक्टर, चंदू की पुराने यादें सब। बेसिकली मेमोरी लॉस्ट पेशेंट के बारे में कंफर्म बता नहीं सकते कि वो वापस कब आएगी, बट उसकी कंडीशन देख के लग रहा है कि वो जल्द ही नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाएगा। हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए या फिर थोड़ा टाइम भी लग सकता है। डॉक्टर, जल्दी क्योर होने के लिए मुझे कुछ मेडिसिन दीजिए ना। आप जितना सोच रही हैं इतना आसान नहीं है, मेडिसिन के जरिए उसे ठीक नहीं कर सकते। जिसे वो प्यार करता था, अगर वो इसके साथ रहे तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब इसके अलावा मुझे और कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। इट्स ओके। बाहर सर्दी में खड़ी होकर क्या कर रही हो बेटी? चलो खाना खाते हैं, चलो। आज चंदू को डॉक्टर के पास लेकर गई थी पापा। ओके। डॉक्टर ने जो बताया उसे रखकर मैंने भी सोचा और इस डिसीजन पर आई हूँ कि अब मैं। क्या है बताओ बेटी? बोलो ना बेटी। पापा, थोड़े दिन के लिए चंदू को अपने घर पर रखने का फैसला ले रही हूँ मैं। ये तुम कैसी बात कर रही हो? कुछ नहीं पापा, डॉक्टर ने ही बताया कि उसकी जो मनपसंद चीज है वो अगर उसके साथ में रहेंगी तो वो जरूर ठीक हो जाएगा।
ऐसा उन्होंने बोला पापा, उसकी मनपसंद चीजें। बात वो नहीं है बेटी। पापा, माँ के गुजरने के बाद आपकी लाइफ में वो नहीं है, इस वजह से आपने कितना फील किया। अभी वो मेरी लाइफ में रहने के बावजूद में मैं भी उसी की तरह फील कर रही हूँ। वो आज जिस हालत में है उसकी वजह से मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूँ, लेकिन अगर वो ठीक हो गया या ठीक नहीं हुआ तो भी मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाऊंगा बेटी। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। पापा ये आप अब... मैं जिससे शादी करने के लिए कहूंगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ओके पापा। ये क्या है? ये भाभी है भाई, पहले अपन ने प्लान किया था ना। ये कैसी भाभी है? तेरे को तो मैंने लड़की लाने के लिए बोला था ना। ऐसा बजट प्रॉब्लम, उसको देख के मुझे क्या इसे भी मूड नहीं आएगा? ये सब मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। भाई 2 लाख रुपए है भाई, हमें 2 लाख रुपए चाहिए, तो आप उससे प्यार कर लो। नहीं, इससे प्यार करना पड़ेगा। फ्रंट भी फ्लैट है, बैक भी फ्लैट है, इस पे क्या फिसलन फिसलन खेलूं? ये तो इधर ही आ रही है। डरो मत भाई, छोड़ो भाई। स्टैचू अबे तू अचंभे होके देखता है। क्या कर रही है? स्टार्ट, हटो। नहीं नहीं भाई, जरा हटिए ना, कलर फेंकना है। तुम लोग बेरहम हो क्या? अब कितना देखोगे, अब डायलॉग बोल भी दो। इस लड़की के ऊपर कोई कलर नहीं फेंकेगा, ठीक है ना? सोना, थैंक यू। अब जो भी करना है मुझे ही करना है। कैसी जिंदगी है, उधार दिए हुए पैसे लेने के लिए पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। आपके घर में ये लड़की जो कह रही है वो मुझे भी सही लग रहा है जी, आप इसे भेज दीजिए ना। पुरानी बातें याद दिलाने के लिए हमने भी तो प्रार्थना की है ना। मेरी बात सुनिए, अगर मुझे कुछ याद नहीं आया तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, मैं अभी ही बहुत अच्छा हूँ। तू शराब पीकर देर रात घर आके दरवाजा खटखटाता है, वो बेटा चाहिए मुझे। तो अभी इसमें क्या कमी है, मैं आपको पापा कह के बुलाता हूँ ना। तुझे समझ में नहीं आएगा बेटा, तुझे बुलाना अलग बात है और हमें बुलाना अलग बात है। अगर आपकी पुरानी यादें वापस आ गई तो हम लोग सब हैं, लेकिन अगर याद नहीं आया तो उन लोगों की लाइफ ही नहीं है। अपना ख्याल रखना बेटा, खाना पीना अच्छे से करना। हे, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कोई ऐसे अपना घर छोड़ के कहीं जाता है क्या? हे, अपना मुंह बंद रख। मैं जाकर आती हूँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। हाँ
यहाँ क्यों रख गए? चलो अंदर। इससे पहले इस घर में आए हो ऐसा कुछ याद आया क्या? यहाँ बार बार आने जाने के लिए कोई ताजमहल है क्या? सभी लड़कों के लिए उनकी लवर का घर ताजमहल ही होता है। अरे बाप रे, वो सब ठीक है, लेकिन इस घर में रहता कौन कौन है? मैं और मेरे पापा। और आपकी माँ? उनको गुजरे बहुत साल हो गए। सॉरी। इट्स ओके। आप लोग आ गए? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ रुकिए रुकिए। भैया, मैम साहब आ गई। कौन है ये लड़की? घर की नौकरानी। ये सब किस लिए? वो मेम साहब दामाद को लेकर आई है ना, इसलिए। वो कोई दामाद नहीं है, गेस्ट है। पहले ये सब उठाकर अंदर ले जाओ। हाय अंकल। हाय। तुम जाकर के फ्रेश हो जाओ। चंदू, वहाँ टेबल पर खाना रख रही हूँ, बाद में खा लेना। तुम कहाँ जा रही हो? इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। अच्छा, तुम और तुम्हारे पापा बाहर चले जाएंगे और मैं तुम्हारे घर में वॉचमैन बन के रहूँ? छोटे मालिक, खाने में क्या बनाऊँ? एक दर्जन अंडा। हाँ। आधा किलो चिकन। हाँ। कैरेट और पालक। हाँ। उसके बाद जो आपको पसंद है वो बना लीजिए। मैंने आपसे 10 दिन क्या बनाना ये नहीं पूछा, आज क्या बनाना ये पूछ रही हूँ। मैं एक वक्त के खाने की बात कर रहा हूँ। हर रोज तुमसे ही पूछती हूँ ना, आज क्या नया पूछ रही हो? गेस्ट फर्स्ट, ऑनर नेक्स्ट। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ओके बाय। अरे रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। तुम कहाँ आ रहे हो? मेरी खुद की कंपनी है और 4 नौकर भी, जानती हो ना। हाँ ठीक है, चलो जाते हैं। चलो। हाय भाभी। हेलो। शाम को आके पिक कर लेना। ओके। अबे पढ़ी क्या रही है? अपना काम करो, चलो जाके अपना काम करो, पीछे जाओ, गो बैक। एक गैप मेंटेन करने के लिए मैंने कहा था ना, चलो जाओ 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 जाओ, काम करो अपना, चलो जाओ। माइंड खराब होने के बावजूद भी इसका बिल्डअप खराब नहीं हुआ। चल जाके काम कर। कुछ नहीं ए बिट्टू, उस तरफ जा। बस मिस हो गई, इंस्टीट्यूट जाना है। यार बैक साइड से देखने पर तो एकदम कमाल लग रही है ना। Stupid. अरे रे। बस मिस हो गई है। इंस्टीट्यूट जाना है। हे यार के। हाँ। क्या है यार ये? भाई ये मिशन 2 है, आगे देखो। बस मिस हो गई है, मुझे इंस्टीट्यूट जाना है। ए, तेरे पास अकल की कमी है क्या? अगर बस मिस हो गई है तो ऑटो से जा, मेरी जान क्यों खा रही है? रुक जाओ, देखती हूँ तुम्हें। ठीक जाओ। भाई 2 लाख रुपए, भाई 2 लाख। तुझे तो ये जो भी कर रही है सह नहीं पा रहा हूँ। लॉन्ग शॉट हजम नहीं होता, ये तो क्लोज में खड़ी है। ए हीरो, बाइक निकाल। अब वो क्यों? इंस्टीट्यूट जाना है। मैं नहीं आऊंगा, मैं काम में। लवर को ड्रॉप करने के अलावा कौन सा जरूरी काम है? लवर नहीं हो क्या? यही दफना दूंगा। कोई बात नहीं भाई, आप जाओ। तो सुपर है यार। ए, पैसा देकर भी मुझे किसके साथ घूमना पड़ रहा है, देख लो। चलो, बर्बाद हो गया मैं। आओ भाई। भाई लवर लोग ऐसे थोड़ी बैठते हैं। लव यू डार्लिंग।
तेरे को मैं बाद में देख लूंगा। भाई लवर जैसा फील नहीं हो रहा है, जरा चिपक के बैठिए ना आप। पकड़ के बैठो ना भाई। इस चिड़िया ने मेरी जान ले ली। चंदू, 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 उठो, चलो। कहाँ? बाहर चलो मेरे साथ। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ ना, चलो। कपड़े ऐसे भी सूखते हैं क्या? क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ खत्म हो गया। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे अब मरना है। किसी ने धोखा दे दिया तो सुसाइड कर लोगी क्या? अपने फ्रेंड्स के बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन मरने के लिए सोच लिया। आइडिया बहुत अच्छा है, बस प्लानिंग अच्छी नहीं थी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उससे तुम आराम से मर जाओगी। ये क्या कह रहे हो तुम? लव फेलियर हो गया तो मतलब मर जाए? हाँ, आजकल लोग बेटियों के पैदा होने पे उन्हें जान से मार देते हैं, उनमें और तुम में फर्क क्या रह गया है? हाँ, तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या? देश में लड़कियां नहीं बची हैं, ढूंढने पे भी लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। एक लड़की पे चार लड़के हैं। वैसे भी देश में इतनी कम लड़कियां हैं, जो बची हैं वो सुसाइड कर रही हैं। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। लड़कियां तो जाके सुसाइड कर लेती हैं, वही लड़के दूसरी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता रहता भी तो नहीं है। इन सब की वजह तुम ही लोगों, एक लाइफ मिली है, एंजॉय करो ना यार। मतलब तुमने जो सोचा वो जिंदगी में होना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं होता है यार। लाइफ मिली है, अच्छे दोस्त मिले, इनके साथ मिलके एंजॉय क्यों नहीं करती? मरने से क्या हो जाएगा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सब अपने अपने में बिजी हो जाएंगे। अच्छा, तुमने मुझसे प्यार किया था ना? मेहरबानी करके मेरे लिए ऐसा फैसला मत लेना, ओके? मेरा प्यार इतना भी वीक नहीं है। चंदू, चंदू। हाँ? आज तुमने बहुत अच्छी तरीके से बात की। तुमने जो बताया वो सब सोचकर मुझे लग रहा है तुम सही बोल रहे हो। मुझे देखने से तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा यार। मेरी आंखों में जो लव है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? हमारा लव मुझे याद आ जाए इसलिए तुम मुझे यहाँ लेके आई हो क्या? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, मैं क्या करूँ? अगर जो हुआ वो तुम्हें याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम शादी कर लेते हैं। एक बार मेरी जगह पे खड़े होके क्यों नहीं सोच रही हो? मेरे फ्रेंड्स ने बोला तो मैंने मान लिया। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग मेरे माँ बाप हैं, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसे शादी करने के लिए बोलेगी तो मैं कैसे मान लूंगा यार, जबकि मुझे अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो लव की फीलिंग तो आती है लेकिन कुछ याद नहीं आता। आई एम सो सॉरी। चंदू, एक मिनट नीचे उतरना। क्या हो रहा है? स्टार्ट नहीं हो रही है। एक्सक्यूज मी सर, ये एड्रेस बता सकते हैं क्या? कहां पर है ये? हाँ, चंदू।
ये सब क्या किया रे? सिर्फ एक चेन के लिए तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? ये आपकी चेन है अंकल, आप अपने हाथ से देते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों ने छीन के बहुत गलत किया। ठीक है चल चलते। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का मतलब क्या है? माँ का ऑपरेशन करना है, 2,00,000 रुपए दो बोला था। मैं अकेला परफॉर्म करूंगा, तू कुछ नहीं करेगा क्या? हाँ भाई 2,00,000 रुपए चाहिए। रोते हुए मांग बे। हाँ भाई मुझे 2,00,000 रुपए चाहिए। ऐसे नेक्स्ट वो आनी चाहिए। किधर है वो? क्या हुआ? मुझसे बचकर जाने के लिए सोच रहे थे क्या? तेरे से बचकर जाऊंगा भी कहाँ, तू तो सपने में तक डराती है। क्या बात है, ऐसा लग रहा है तुम सब बहुत टेंशन में हो, क्या हुआ बताओ जरा? माँ का ऑपरेशन करवाना है इसलिए 2,00,000 रुपए चाहिए, मिलेगा क्या? ए, इतने आराम से क्यों बोल रहा है, जरा इंटेंशन से बोलना। मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए 2,00,000 रुपए चाहिए भाई, ओके है ना भाई? क्या ओके क्या बोल रहा है? जैसे मैंने तेरे को ट्रेनिंग दी है ना, सुन लिया तुम सब लोगों ने? 2,00,000 रुपए चाहिए माँ के ऑपरेशन के लिए, 2,00,000 रुपए चाहिए कहा था इसने। तेरे को याद आया क्या भाई? ये लो इस गाड़ी को बेचकर माँ का ऑपरेशन करवा दो। बढ़िया, ये रहम करने वाली चुड़ैल कहीं की। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? ए, कॉन्सेंट्रेट करो ना। 2,00,000 की बात है यार। तेरे को दूंगा कंटा, ये गाड़ी बेच के 2,00,000 मिलेंगे क्या? हैं? बेवकूफ लगता हूँ मैं? तेरा ट्रीटमेंट तू देख ले, माँ का ट्रीटमेंट मैं देखूंगा। अभी मैं खान साहब के पास जाऊंगा, खान साहब, हाँ उनके पास जाके पूरे 2,00,000 ले आऊंगा। माँ के ऑपरेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, याद आया? तुमने मुझसे उधार पैसे लिए थे, कुछ याद आ रहा है? मैंने तुमसे कहा था क्या? कहा था क्या कि मुझे VIP ट्रीटमेंट दो, बोलो। अबे चुहिया तो अगले सीन में क्यों जा रही है, उसको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मुझे मेरे 2,00,000 मिलने दे। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश थी, लोगों से भाभी बुलवा के सर पे बिठा दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ भाई? मैं कहाँ हूँ? पर्दा उठते ही अकल पे पर्दा पड़ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जान बच गई। टाइट क्लोज शॉट लगा होता तो ऊपर ही चला जाता। लगता है सदमे के कारण मैं जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को एक बात समझ में आ गई, 2,00,000 तू मुझे नहीं मैं तुझे देने वाला हूँ। ये 10,000 ले ले, 1,90,000 तेरे को बाद में देता हूँ, लेकिन मुझे बख्श दे मेरे भाई। छोड़ दो, हट बे भाई। जान बची लाखों पाए।
चंदू क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? पापा अब तक घर नहीं आए हैं, फोन किया तो नॉट रीचेबल आ रहा है। ऐसा है क्या? ठीक है मैं जाके देखता हूँ। अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल, अंकल हॉस्पिटल लेकर चलो बेटा। उठिए अंकल, उठिए, चलिए आराम से अंकल, संभाल के चलिए। Now he is okay. क्या मेडिसिन देना है बताती हूँ, चलिए। पापा बस हो गया बेटी, गुड नाइट पापा। बेटी जानकी तुम कितने दिन ऐसे ही रहोगी? मेरी हालत कैसी है तुम देख ही रही हो ना। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हें लेकर मुझे बहुत चिंता होती है बेटी। कहीं फिर से हार्ट अटैक आया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटी। पापा ऐसे मत बोलिए पापा, आपको कुछ भी नहीं होगा। तुम शादी कर लोगी, तुम्हारा कोई साथी हो जाएगा, ये देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। लेकिन प्यार के नाम पर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो बेटी, ये सही नहीं है। मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ बेटी। पापा ऐसी तुम मेरी बात समझ जाओगी इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम मुझे दूसरा रीजन बताओगी मुझे पता है। Cheers, darling. Hey, darling. तुम मरने के बाद भी अपने साथ ही रहते हो? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से का शराब भी मैं ही पी लेता हूँ। क्या भाई सीधे बोतल से ही पी रहे हो? लव फेलियर है क्या? नहीं भाई, माइंड फेलियर। लव फेलियर सुना था, लाइफ फेलियर सुना था, ये माइंड फेलियर क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, डिटेल में बताओ ना भाई। इतना पीने के बाद भी नहीं चढ़ी, बहुत ही कमाल की लव स्टोरी है आपकी। तेरी जान ने तेरे लिए जो कुछ कर सकती थी सब कुछ किया, पर तुमने उसके लिए क्या किया? हाँ ब्रो, लड़कियां शुरुआत नहीं करती ना, तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जरा इधर आओ। एक बेवड़ा शराब पी के बोल रहा है, इसलिए हल्के मत लेना भाई। इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जिसकी बात सुननी चाहिए, एक ऊपर वाले की, नीचे मेरे जैसे शराब पीने वाले की। ऐसा करूंगा तो पुरानी बातें याद आ जाएंगी। ट्राई करो लेकिन संभल के डील करना, थोड़ा भी आगे पीछे हो गया ना तो लड़की लाइफ में दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी। ए! 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 ए!
मिनट लगेंगे, रुक जाओ बस 5 मिनट लगेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा मुझे। प्लीज मेरी बात सुनो जानू, मेरी बात सुनो, मुझे याद आ जाएगा सब कुछ। 5 मिनट लगेगा, उसके बाद सब याद आ जाएगा मुझे, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो जानू, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। तुम भी तो यही चाहती हो ना, मेरी बात मानो जानू, सुनो तो सही, मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा, बस 5 मिनट लगेगा। रुक जाओ, तुम नहीं चाहती हो क्या मुझे याद आए? तुम भी तो यही चाहती हो ना। रुक जाओ, सब कुछ याद आ जाएगा जानू। पापा, जानू प्लीज 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 यहाँ किसी को मत बुलाओ, सब कुछ याद आ जाएगा, मेरी बात सुनो। अरे दूर हटो, पापा। अरे जानू 5 मिनट लगेगा, मेरी बात मानो जानू, क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रही हो, सुनो तो सही। ए जानू, ए क्या कर रहे तू, मुझे विश्वास करके घर लेकर के आए? हाँ प्लीज अंकल, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए तो सही, अंकल सुनिए, अंकल मेरी बात सुनिए, अंकल जो कह रहा हूँ उसे सुनिए तो सही। अरे जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए तो सही। चुप करो तुम, मेरी बेटी तुम्हें अपने घर लेकर आई तो मैं बहुत खुश हुआ था, चंदू एक दिन जरूर वापस आएगा मुझे बहुत भरोसा था, लेकिन तुम्हें इस तरह देख रहा हूँ तो वो चंदू वापस आएगा ये भरोसा ही खत्म हो गया। एक मिनट, जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए तो सही। जाना, अपना चेहरा मत दिखाना, बस एक बार मेरी बात सुनिए। जाओ वापस, अपना चेहरा मत दिखाना, एक मिनट जाओ यहाँ से। हमें सब कुछ पता है, पुरानी याद जब आएगी तब घर के अंदर आना। सुनिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे अंदर तो आने दीजिए। ए क्या तुम लोग यहाँ काम छोड़ के ऐसे क्यों खड़े हो, चलो जाओ अपना काम करो, जाओ। काम? कौन सा काम? आज के बाद हम लोग काम नहीं करेंगे। क्या मतलब है यहाँ काम करने का, ठीक से तो बिहेव भी नहीं करते हो। तेरे पास काम करने से बेहतर है कि सड़क पर जाकर भीख मांग लूं मैं। ए जाओ ना, काम करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, चलो जाओ। तेरे जैसे के पास काम भी कौन करना चाहेगा, थू चलो थू। ए चल। अबे तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या, जा ना। तू जो पुरानी बातें भूल गया वो ठीक है, लेकिन तेरे अंदर की इंसानियत भी मर गई क्या? लगता है मर गई है। अबे जा ना। जा रहे। सुनिए, कन्या को जल्दी लेकर आइए। चंदू, पंडित जी जरा जल्दी कीजिए ना, मुहूर्त के लिए अभी बहुत समय है जी। टाइम हो गया है, देखिए ना जल्दी कीजिए। ठीक है, शहनाई बजाना शुरू करो, मंगलसूत्र यहाँ पर लेकर आइए। हाँ
और जोर से बजा, और जोर से। अब मंगलसूत्र पहनाओ बेटा। खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। आपने जैसा सोचा था वैसा हो गया ना? हाँ बेटी। पापा। बोलो बेटी। मेरी एक रिक्वेस्ट है पापा। क्या है बेटी? भविष्य में अगर मैं मर गई तो चंदू, चंदू ही मेरी चिता को आग देगा पापा, तभी मेरा प्यार और मैं उसे याद आऊंगी। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? जानकी क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? जानकी क्या हुआ? बेटी बेटी उठो बेटी, बेटी क्या हो गया? जानकी क्या हो गया बेटी? बेटी क्या हुआ? जरा उधर देख, तूने जो उसके साथ किया ना उस वजह से उसकी ये हालत है। तेरे लिए उस लड़की ने जान भी दे दी। उधर देख ना, ए चंदू वकील, इसने भी जहर पी लिया वकील। वो सब कुछ भूलने के बावजूद वो अपना प्यार नहीं भुलाए वकील। चंदू उठ जा, हम सबको छोड़कर मत जा यार। वकील से उठने के लिए बोलिए ना, वकील उठना। चंदू जा मेरे यार। तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस तरह का फैसला कभी मत लेना तुम, ओके? मेरा प्यार इतना वीक नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर? अरे आप रो क्यों रहे? आप तो जो चाहिए था वही हुआ। आपको स्टेटस चाहिए था और उसने प्यार को चुना। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए डॉक्टर। हाँ बोलो ना। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मेमोरी लॉस हो चुकी है। आप मेरी फैमिली से एक झूठ बोल देंगे क्या? क्या क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्राइम है। मुझे पता है डॉक्टर, लेकिन क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी है। सिचुएशन? मैं अच्छा हो चुका हूँ, अगर आप ये कहेंगे तो मेरी फैमिली खुश हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक ही, उनको बहुत फील होगा डॉक्टर।
उसकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई थी सर, बस वो आपके स्टेटस की वजह से दूर हो गया। एनीवेज वो अब खतरे से बाहर है, आप जाके मिल सकते हैं। बेवजह आप चिंता मत करो वकील, जानकी को कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत दिनों से मुझे एक डाउट है। उस दिन हम सब लोग पी रहे थे, तब आपने एक जाति के केस के बारे में बता रहे थे। जाति, धर्म, भेदभाव, ये सब किसके लिए देखते हैं? लेकिन आज क्या किया आपने, बोलिए। जाति के लिए इंसान को मारना गलत है, प्यार करने वाले को अलग करना गलत नहीं है। इस तरह की गलती करने वाले को आपकी कोर्ट सजा नहीं देती है क्या? ऐसे समय पे ऐसी बात करते हैं क्या? चल जाए से। एक बार सोच कर देखना वकील, अगर सजा नहीं है तो कानून को गलत बोलना, अगर सजा है तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए वकील। आपको समझ में आ रहा है ना वकील? मुझे माफ कर दो बेटा, हे भगवान। वकील अंकल, ये आप मेरे पैर क्यों पकड़े हुए हैं? क्या बात है? मेरी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने के बावजूद भी तुमने जो मुझे जबान दी थी उसके लिए तुमने त्याग भी दिया। अगर तुम दोबारा जन्म लेना तो मेरे बेटे के रूप में जन्म लेना। अच्छा बेटी, आ बेटी आ। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता हूं। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, अब ऐसा मत करिए। पैसा नहीं मिला तो घर नहीं जा पा रहा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। उधारी का धंधा ही बंद कर दूंगा। ए चंदू, ये क्या है? सॉरी भाई, मेरे हालातों ने मुझे बदल दिया था, मैं कुछ भी भूला नहीं। सच में? ए स्मार्ट शंकर, देख पैसे मिल गए। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे ना, तो वापस तो मिलने ही थे। ए डीजे, इतने दिनों से तुम्हें लगता होगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझसे प्यार करने लगी? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझसे शादी कब करोगे बताओ? ए डीजे, डीजे, डीजे रुको, डीजे रुको, कहाँ जा रहे हो? डीजे।